हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। सब कुछ शांत हो गया था। दोनों के बीच वो प्यार जैसे धुंधला हो गया था। नेति दोबारा से वो सब नहीं चाहती थी उसकी जिंदगी में जो उसने पहले सहा था। अधूरे प्यार का दर्द। नेति ने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को संभालने की। एक शाम रोहन नेति खामोश थे। नियति, मैं अपने भाई की शादी के लिए कानपुर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, सब कुछ भूल जाओ। नियति भी शांत थी, इतना कुछ बदल जो गया था उसकी ज़िंदगी में। रोहन को गए 2 महीने हो गए थे, बात कम हो रही थी। रोहन 2 महीने बाद लौटा, नियति उसे देखकर रो पड़ी। वो 2 महीने उसे 2 साल जैसे लगे। रोहन, हम एक नई शुरुआत करते हैं, पिछली बातें भुला के। रोहन ने नियति को गले लगाया। थोड़े टाइम तक दोनों कोशिश कर रहे थे, पर नियति की कोशिश रोहन से ज्यादा नजर आ रही थी। फिर वही बहस, झगड़ा, रातों को लेट आना, नियति को इग्नोर करना। एक शाम नियति किचन में दोनों के लिए शाम की चाय बना रही थी। घर के लिविंग एरिया में बैठा रोहन अपने फोन में बिजी था। रोहन, चाय लो, ठंडी हो जाएगी। रोहन फोन में लगातार बिजी था। उसे पता ही नहीं चला कब नियति पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। फेसबुक मैसेंजर पर लगातार चैट हो रही थी, पर किससे? जैसे ही नियति ने फोन में आते मैसेज को पढ़ा, वो हैरान हो गई। तुम्हारी बहुत याद आ रही है रोहन। जैसे ही रोहन ने नियति को देखा, वो तुरंत घबरा उठा। वो मैसेज दिखाओ रोहन, अपने काम से काम रखो। नियति रोहन को देखती ही रह गई। झगड़ा करते ही उसने वो मैसेज खोला और सन्न हो गई। मुंबई में बारिश उस दिन जोरों पर थी। नियति चुपचाप खड़े होकर अपने कमरे में गई। रोहन अब एक तरफ चुप खड़ा था। थोड़ी देर में नियति बाहर गई और गेट खोलकर बाहर जाने लगी। नियति, रुको, सुनो मेरी बात। नियति बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ी हो गई। बारिश की बूंदों ने उसे कुछ पल में ही भिगो दिया था, जैसे आज आसमान उसके टूटे दिल की आवाज़ सुन पा रहा था। वो गुमसुम एक सूद में चली जा रही थी, पता नहीं कहाँ, कौन सी मंजिल अब बाकी थी। आंखें सूख गई थी। पीछे रोहन अपनी कार लेके नियति के पीछे पीछे जाता है। कार का दरवाजा खोलकर वो नियति से कहता है, नियति अंदर बैठो, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नियति चुपचाप बैठ गई। थोड़ी दूर जाकर रोहन नियति पर चिल्लाने लगा। हाँ तो मैं क्या करता, हो गया ना यार प्यार, मुझे इतना रोक टोक करती थी, हर बात पर टाइम नोट करना, ये मत करो वो मत करो, मैं क्या करता यार। नियति अब भी खामोश थी, एकदम चुप थी। शब्द नहीं थे उसके पास, जैसे उसका सब खो गया था। घर पर अब माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगी कि फिक्र में वो बहुत परेशान थी। मैं क्या बोलूँगी माँ पापा से कि मुझे प्यार में फिर धोखा मिल गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। कई सवाल मन में लिए नियति कार में बैठी रोहन को सुन रही थी। कार वापस घर ले जाकर रोहन ने नियति से माफ़ी मांगी, उसे शांत किया। नियति, मुझे लगता है हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ यार। रोहन अपनी सारी नाकामयाबी की सारी गलतियाँ नियति पर थोपे जा रहा था और वो बस खामोश थे। क्या करती, प्यार में दूसरी बार उसे धोखा मिला। फिर भी रोहन को खोने का डर उसे सता रहा था। उसने उसकी वो गलती भी माफ़ कर दी। 2 दिन बाद ही रोहन को फिर कानपुर जाना था। नियति, तुम भी घर चली जाओ, मैं यहाँ से घर शिफ्ट करूँगा, तुम आ जाना, पर 6 महीने तक हम दोनों अपने काम में बिजी रहेंगे। नियति को भी लगा शायद ऐसा करके सब ठीक हो जाए, पर मन में अजीब सा डर था रोहन को खोने का। रोहन ने तुरंत ही नियति की दिल्ली की टिकट बुक की उसे छोड़ के। जब वो मुंबई स्टेशन से आ रहा था, नियति उसे दूर से देख रही थी। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रोहन पीछे छूट रहा था। नियति अगली सुबह अपने घर दिल्ली पहुंची। घर में सबको खुश देखकर वो थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। कुछ देर में रोहन के मैसेजेस आए। नियति, सॉरी यार, हमारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये रिश्ता मैं आगे नहीं ले जा सकता, सॉरी यार, सब खत्म, टेक केयर। नियति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो एकदम हैरान परेशान तुरंत अपनी छत पर जाके कॉल मैसेजेस करने लगी, पर रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब नियति के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। एकदम खामोश, शांत,
हंसी तो उससे कोसों दूर थी। दोस्तों, अगर इजहार करने का हक आप दोनों पार्टनर को है तो इनकार का हक भी दूसरे पार्टनर को होना चाहिए। रोहन ने नियति को कितनी बार प्रपोज किया, फिर रिश्ता निभाने का हक नियति से क्यों छीना? अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं नियति की लाइफ में आगे क्या हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, ध्यान रखें।